अपने घर गणेश पाड़ा गणेश पथ से कामाख्या मंदिर तक ऐसे ही दंडवत करते हुए जाना है। हर दिन उनके लिए पूजा करता हूँ, मैं अपने मन से किया, अपने मर्जी से किया, मैं सोने से करवट भी बदल नहीं पाता हूँ। सामने वाला देखा, पता चला, नहीं चला, उससे मतलब नहीं है। ৰাতিপুৱাতে বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিব ওলালোঁ আৰু হঠাৎশীল লামবাৰী পাৰ হৈ আগুৱাই যাওঁতে হঠাৎ এজন মানুহ ৰাজপথত দেখি কৌতূহল হ'ল আৰু চাপি আহিছোঁ। প্ৰথমে মই ব্যক্তিজনক অকণমান দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ, তাৰপিছত কি কৰিছে, তেখেতে ইয়াক কেলেই কৰিছে সেয়া জানিব জানিম, কিন্তু প্ৰথমে তেখেতক অলপ দেখুৱাই লওঁ। সৰু হাতত লাঠি টুকুৰা লৈ এনেকুৱাকৈ হঠাৎশীল লামবাৰী আৰু মাৰোৱাৰী মেটাৰনিটি ওলাব পৰা সেই বাটটোত তেখেতে এনেকুৱাকৈ ৰাতিপুৱাৰ পৰা আহি আছে। এক প্ৰকাৰে সষ্টাংগে আহি আছে ৰাজপথেৰে। প্ৰথমতে এইখিনিতে সোধোঁ, আপোনাৰ নামটো? মেৰা নাম প্ৰভাকৰ ঝা হে। এনেকুৱাকৈ গুৱাহাটী ৰাজপথত মানুহক প্ৰায় দেখা নাযায়। জি জি জি। কৰি কি আছে? মই अपने घर गणेश पाड़ा गणेश पथ से कामाख्या मंदिर तक ऐसे ही दंडवत करते हुए जाना है। एक बार अम्बुबासी तलर पर सकलोके जूता खुली खोज काढ़िबलगा होल, सेया मैं गम पालो। जी जी। गाड़ी मोटर साइकिल बास सकलो आसे कामाख्याले जाबोले। जी जी। एनेकुवा के केले गइसे? जी, हमने मन्नत मांगा था कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो मैं अपने घर गणेश पाड़ा से कामाख्या मंदिर तक ऐसे ही दंडवत करते हुए जाऊंगा। अपनी कॉन्फिडेंट आसिले ने जेतिया मन्नत मांगिसिले जे प्रधानमंत्री तृतीय बार भावे प्रधानमंत्री होबो? जी जी, 100% कन्फर्म थे। हाँ, क्योंकि उनमें जो है वो किसी में नहीं है। हाँ, और हम लोगों का सौभाग्य है कि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। हाँ, और उनका बहुत सारा ऐसा काम है, हाँ, जो उनको प्रधानमंत्री होने के लिए मतलब बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, तो इसीलिए मैं हर दिन उनके लिए पूजा करता हूँ। और मन में मैंने ठाना था कि जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो मैं ऐसे ही करते हुए दंड प्रणाम देते हुए कामाख्या मंदिर तक जाऊँगा। चूँकि मैं पेशे से शिक्षक हूँ, मैं सरला बिरला ज्ञान ज्योति में संस्कृत पढ़ाता हूँ, तो अभी हम लोगों का समर वेकेशन चल रहा है। बंध। जी 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 जी। सुविधा जी जी, जी 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 जी। मैंने घर जाने का प्रोग्राम कैंसिल किया और सोचा चूँकि रोड है तो 8 बजे के बाद चलना मुश्किल होता है। हाँ, और ट्रैफिक इतने हो जाते हैं, वो तो हमारे कुछ लोग हमेशा, ये मनोज जी हैं, ये शर्मा जी हैं, कामाख्या से डेली आते हैं, हमारे साथ चलते हैं, तो एक दो आदमी चाहिए, तो 8 बजे के बाद चलना मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैं सुनार घर पर कामाख्या प्राय 13-14 किलोमीटर होगा। তো কিমান দিন লাগিব আপোনাক এনেকুৱাকে সদায় ডেইলি প্ৰতিদিনে কিমান কিলোমিটাৰ আপুনি এনেকুৱাকে? মতলব 2.5-3 ঘণ্টা মই চলতা হওঁ। হ্যাঁ, আৰু মতলব থোৰা কঠিন হে। হ্যাঁ, তো থোৰা নহয়, মইতো ভাবো বহুত কঠিন হে, মানে থোৰা মই ইছলিয়ে বল ৰাহা হওঁ কিয়কি চলনা হি হে, আৰু কিছি নে উঠে জবৰদস্তি নহীঁ কিয়া, মই আপনে মন সে ইয়ে কিয়কি মেৰে জেসা আদমী কা ক্যা পজিশন হো সকতা হে ৱো हर कोई बेहतर जानता है। हाँ, लेकिन मैंने अपने मन से किया, अपने मर्जी से किया है, तो ऑलमोस्ट मतलब मैक्सिमम अभी तक 7.25 किलोमीटर 750 ये जो है ना वो। कितने प्रारंभ हो गई? मैं 29 तारीख को शुरू किया था। हाँ, शनिवार से। आज 6 तारीख हो। हाँ, आज ये 6ठा दिन है। अच्छा, किमान देरी दिन लगेगा बोले भाभी साहब? मतलब हमने जो शुरू किया था तो हमारा टारगेट जो है ना ये शनिवार का था, परसों का था, तो अपनी टारगेट बहुत तलत से पिछत से। हाँ, तो अभी जो टारगेट है वो अगला शनिवार का है। अगला शनिवार हो जाओगे अपना? हाँ, मतलब हम सोच के रखे हैं। बाकी जैसे अनुभव का रास्ता रह जाए। जी जी। मानु है तो अपना रोई रोई साई की जानी। जी 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 जी। की बात कोई ने? मतलब वस्तु स्थिति, मतलब सच्चाई क्या है मैंने अभी तक मैंने उनको बताया नहीं है, क्योंकि लेकिन सब लोग थोड़ा सा आश्चर्य में पाते हैं, वो सोचते हैं कि अभी छठ पूजा नहीं है तो फिर ऐसे कैसे कर रहे हैं, तो मैं बताता हूँ कि मैं कामाख्या मंदिर तक ऐसे करके जाऊँ। पक्का रास्ता माने हिल गुटी ऐसे बुका ऐसे इखनी जते अपने नुका के आहे को बा दुख पाइसे ने? जी जी जी। कोट यहाँ है, यहाँ है, मतलब स्थिति ऐसा है कि मतलब यहाँ तो अभी तकलीफ नहीं हो रहा है क्योंकि मुझे चलना है और चलना ही है। हाँ,
लेकिन घर में जैसे मैं रहता हूँ तो करवट बदलने में भी प्रॉब्लम होती है, मैं सोने से करवट भी बदल नहीं पाता हूँ। घर तो अपना घर मानु आसे जी तखे की कैसे प्रथम आपने आरम्भ कर धर्मपत्नी ने मतलब वाइफ ने तो मना किया था, बिल्कुल ही मना किया था हाँ, लेकिन मैंने बोला कि मैं मतलब करना ही है हमको, तो जब निश्चय कर लिए थे तो फिर सब लोग सपोर्ट किए, कभी वाइफ कभी बच्चे यहाँ तक छोड़ जाते हैं, कुछ देर रहते हैं, उसके बाद हमारे दोस्त लोग आ जाते हैं तो वो चले जाते हैं। एक्चुअली मैं हर रविवार वहाँ जाता हूँ और मेरा एक नियम है कि जिस दिन स्कूल खुला है मैं स्कूल जाता हूँ, पेट का सवाल है, और जिस दिन स्कूल बंद रहता है उस दिन मैं, ये मेरा 365 डेज का नियम है। जी 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 যার কারণে কৰিছে জি জি মা কামাখ্যাত বৰ আপুনি গৈ পূজা দিব মায়ে দেখিছে জি 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 যার কারণে কৰিছে জি জি হে গৰাকী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তো আপোনাক গমেই নাপায় কি জানে আপুনি যে গুৱাহাটীৰ ৰাস্তাত এনেকুৱা কৰি আছে নেই মতলব সামনে ৱালা দেখা পতা চলা নহি চলা উছে মতলব নহি হে ঠিক হে হমনে পুৰে মন সে হ্যাঁ মতলব কিয়া অৰ হামাৰা জো কৰনা থা হমনে কিয়া মতলব উনকো পতা চলা উনহনে দেখা নহি দেখা ইছে মুঝে মতলব নহি হে। हमारा जो उद्देश्य था हमने वो किया, हमारा जो लक्ष्य था जो वो तीसरे बार प्रधानमंत्री बने वो बन गए, यही हमारे लिए काफ़ी। আপুনি কামাখ্যা পা এখেতৰ লগত খোজ কাঢ়িবলৈ আহে? নহয়, মোৰ ঘৰ ওচৰতে হয়, আমি এখেতক আগবঢ়াই দিওঁ, মানে ট্ৰেফিক থাকে তো যদি ফ্ৰীকে যাব পাৰে, নহ'লে অসুবিধা পায় ট্ৰেফিকবিলাকৰ, ৰাতিপুৱা মানুহবিলাক এনেকুৱা আহে গাড়ীবিলাক চলাই কিছুমান শিকিবও কাৰণে ৰাস্তাত ওলাই যায়, সেইকাৰণে আমি চেফ গাৰ্ড দি আগবঢ়াই দিওঁ। যেতিয়া প্ৰথমে এনেকুৱা কৰিম বুলি কৈছিলে তেতিয়া তেখেতক আপুনি অলপ কৈছিলে যে বাবা কৰিব নালাগে এনেকুৱাকে কষ্ট হ'ব? আমি তেওঁ কৈছোঁ এইটো কেনেকৈ কৈছে, কৈছে নহয় মাক আমি কথা দি দিছোঁ, এতিয়া মা তেওঁ যদি নকৰোঁ মা আমাক দুখিত হ'ব, সেইভাৱে তেওঁ কণ্টিনিউ মানে কৰিছে, আমি উৎসাহ দিছোঁ কৰক আমি আছোঁ লগত। আচ্ছা, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মোদীৰ বহুত ধৰণৰ ভক্ত আছে বুলি কয়, কিছুমানে ভাল পায় কিছুমানে ভক্ত কিছুমানে অন্ধভক্ত বুলিও কয়, এখেত কোন কেটাগৰীত আহিব? এতিয়া ধৰক আমাৰ হিচাপত তো তেওঁক যিটো অপজিচন আছে তেওঁক মানে তো কি ক'ব এইটোতো নাজানো, কিন্তু আমাক আজিকালি অন্ধভক্ত বুলি কয়, অন্ধভক্ত বুলি কয়। লোক বাক কবি আপক ভি অন্ধভক্ত বলতে হ্যাঁ? বিলকুল বলতে হ্যাঁ হ্যাঁ, ক্যোঁকি মে লিখতা ভি হুঁ তো প্রায়ই জো হ্যায় না লিখতে রহতা হুঁ উনকে বারে মে হ্যাঁ, তো এসা মতলব বলতে হি হ্যায় হ্যাঁ, কুছ ভি আচ্ছা হোনে সে ইয়া বুরা হোনে সে মতলব তুমারা মোদী তুমারা মোদী হ্যাঁ, লেকিন ও আপ কুছ ভি করেঙ্গে তো লোগো কা কাম হ্যায় কহনা, ইয়ে পহলে দিন সে আমারে সাথ হ্যায় নীরজ শর্মা জি হয়। মই ফেন্সি বজাৰত থাকোঁ, ডেইলি শুক্লেশ্বৰ মন্দিৰৰ কামাখ্যা যাওঁ, তেখেতে যেতিয়া ক'লে তেতিয়া মই আৰু অলপ জলদিকৈ উঠা কৰিছোঁ, ৰাতিপুৱা 3টাত উঠি আৰু এঘণ্টা টাইম ওলাই পিনে 5টাত আহি পাওঁ, 5টাৰ পৰা 6:30-7টালৈকে আৰু টাইমটো দিওঁ আৰু। এইকেইদিন কামাখ্যালৈ যোৱা নাই, কামাখ্যা গৈ আহিছোঁ, মই ৰাতিপুৱা যাই আহি গ'লোঁ পৰিক্ৰমা কৰি পিনে মাৰ দৰ্শন, তাৰপিছত ইয়াত আহিছোঁ লগত আহিছোঁ, তাৰপিছত আহিছোঁ এই শনিবাৰৰ পৰা তেখেতৰ লগত আছোঁ আৰু আহি আছোঁ ডেইলি ৰাতিপুৱা। নৰেন্দ্ৰ মোদী তৃতীয়বাৰৰ বাবে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱা আঁৰত যিসকলে তেখেতক ভোট দিছিলে, যিসকলে বিজেপিক ভোট দিছিলে সেইসকল আছেই, তাৰ লগতে যিসকলে মোদীক ডাঙৰীয়াক ভাল পায় সেইসকলো আছে, আৰু কিছুমান এনেকুৱা মানুহো আছে হয়তো মোদী ডাঙৰীয়াই গম নাপায় বা নাপাব বা বিজেপিৰ বহু মানুহে গম নাপাব, কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান মানুহ আছে যিসকলে মনে প্ৰাণে আৰু দেহেকেহে বিচাৰিছিলে যে নৰেন্দ্ৰ মোদী তৃতীয়বাৰৰ বাবে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হওক আৰু বিজেপি চৰকাৰখন তৃতীয়বাৰৰ বাবে হওক, আৰু সেই মনোকামনা যেতিয়া পূৰ্ণ হ'ল তেতিয়া এনেকুৱা কিছুমান মানুহে এই যি নিজক এটা প্ৰণ কৰিছিলে যে মা কামাখ্যা দেৱী দেৱালয়লৈ গৈ দেৱীক প্ৰাৰ্থনা কৰি কৈছিলে যে মোক মোৰ মনৰ মানুহজনক মই যাক ভাল পাওঁ সেইজনক যদি তৃতীয়বাৰৰ বাবে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আসনত বহে বা শপত লয় তেতিয়াহ'লে মাৰ দেৱীৰ মানে মন্দিৰলৈ ঘৰৰ পৰা এনেকুৱাকৈ সষ্টাংগে প্ৰণাম কৰি কৰি আগুৱাই যাব, আৰু আজি তেখেতে সেয়াই কৰি আছে। বহুতে তেখেতক অন্ধভক্ত বুলি কয়, কোনোবাই মোদী পাগল বুলি কয়, কিন্তু আপোনাৰ নামটো কি আছিলে? প্ৰভাকৰ ঝা। প্ৰভাকৰ ঝা ডাঙৰীয়াৰ এইবোৰৰ কোনো মনষাৰ নাই, তেখেতৰ কথা হ'ল যে এনেকুৱাকৈ প্ৰতিদিনে গৈ গৈ মা কামাখ্যা দেৱাললৈ গৈ তেখেতে যি প্ৰতিজ্ঞা কৰিছিলে সেই প্ৰতিজ্ঞা তেখেতে পূৰ্ণ কৰে আৰু দেৱীৰ ওচৰত পূজা অৰ্চনা আগবঢ়ায়। চলতে চলিয়ে আকৌ দেখুৱাওঁ বাৰু। আৰু এটা সৰু কথা মনলৈ আহিলে, আপুনিতো চৰলাবিৰাত সংস্কৃতি পঢ়ায় মানে সংস্কৃত পঢ়ায়, চ' আপোনাৰতো যিসকল আপোনাৰ ছাত্ৰ আছে তেখেতসকলেতো দেখিব যেতিয়া তেওঁ ক'ব
सर गरम बंद तो सर क्या बेलेगे हो गए नहीं उनको मालूम है कि मैं हमेशा स्कूल बंद रहने से मैं कामाख्या मंदिर आता हूँ हाँ तो उनके लिए ये सामान्य बात होगा एक गुटे जी प्रक्रिया तो जी जी अपनी घर पर उलाई से गई से घर उभति जा गा पा धु पे विश्राम कर जी 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 कि देरी विश्राम लगे नहीं मतलब मैं उसके बाद मैं कहीं जाता नहीं हूँ क्योंकि हमारा स्थिति कहीं जाने वाला नहीं रहता है जाके पहले नहाता हूँ क्योंकि शरीर में मतलब ऐसे समझिए जो आधा किलो बालू जो है ना पहले निकलता है 10-20 बाल्टी से मैं नहाता हूँ और उसके बाद फिर जो है ना और ये मतलब जब तक ये चलेगा हमारे मतलब वो प्याज लहसुन सब नहीं खाना है हाँ और पूरा मतलब घर से मतलब एक अलग रूम में मैं रहता हूँ मैंने गुटे प्रक्रिया तो पूजा स्थिति ले लो जी 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 मैंने नॉर्मल वस्तु आराधना पूजा हुई जी 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 मोदी पूजा है कह पड़ी अब जिसका जो भावना हो क्योंकि ये हमारे साथ जो ये है ये बेल का है अच्छा हाँ इसका नियम होता है कि ये एक बीता होना चाहिए ठीक है तो छठ पूजा प्राय हो हाँ मतलब और बाबा धाम भी जो जाते हैं ना तो उनके साथ कांवर वगैरह होता है मेरे लिए ये कांवर यही है मैं सुबह निकलता हूँ तो ये आरती करके निकलता हूँ और इसको मंदिर में स्थापित करता हूँ फिर शाम में फिर जो है ना इनको जो है ना मैं आरती करता हूँ और उसके बाद मात्र 13-14 दिनों कारण नहीं ये मतलब ये यात्रा के लिए है